जो संकट में प्राणी उसके जीवन का उद्धार हुआ। अंजनी को मिला पुत्र और रुद्र का अवतार हुआ। मन के अंदर ठानु जाकर हर कार्य को सफल किया। भूख नहीं रुकती तो जाकर स्वयं सूर्य को निगल लिया। बचपन मेरा चपलता में बीता, फल को ना पहचानू मैं। फल समझ जो निगला है वह मुख के अंदर भानु है। राहु मेरे बीच में आया, उस पर भीषण वार किया। देव इंद्र ने क्रोध में आकर फिर वज्र प्रहार किया। बालक पर प्रहार से पवन देव ने संकोच किया। पिताश्री ने क्रोध में आकर वायुमंडल रोक दिया। रखे हाथ सिर पर देवों ने, तब जाकर वरदान बना। इन वरदानों को पाकर ही महावीर हनुमान बना। जिन कार्यों के लिए मैं आया उन कार्यों का ध्यान किया। ऋषि मुनियों की रक्षा की और असुरों का संहार किया। प्रभु राम से मिलन हुआ, हृदय में फूल यूं खिल जाता। ऐसा लगता मानो कि प्यासे को सागर मिल जाता। लंका तक मैं कैसे पहुंचूं, पल भर तक कुछ समझ ना आया। जामवंत ने खोई हुई शक्तियों से फिर परिचित करवाया। भूला सब कुछ याद आया, मैं ऐसा नया किरदार हुआ। एक छलांग लगाते ही पर्वत से सागर पार हुआ। रावण की धरती लंका को निशाचरों से साफ करी। श्री राम का नाम लिया, सोने की लंका राख करी। कुछ चिंतित जब पड़े प्रभु, तो श्री राम को मैं भाया। संजीवनी ना आई समझ, तो पर्वत पूर्ण उठा लाया। मुझसे जो टकराता था उसको यमराज बुलाता था। एक गदा जिसमें पड़ती दोबारा उठ ना पाता था। पूर्ण करी स्वामी की सेवा, त्रेता युग का वक्त हुआ। श्री राम का भूमंडल में ऐसा ना कोई भक्त हुआ। अपना पुत्र मानकर माता सीता ने सम्मान दिया। चिरंजीवी होने का मेरे स्वामी ने वरदान दिया। जगत स्वामी रघुनंदन को अपने हृदय में बैठा लिया। जिसने भी संदेह किया तो सीना चीर के दिखा दिया।